इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ओपन चैलेंज दिया है, कोई भी आके दिखा सके कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को टैम्पर किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन पैमाने इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं। हमारे साथ हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर नसीम जैदी। जैदी साहब, पहले ये बताइए, ये मशीन जो है ये असली है या ये नमूना है? हम ये बताना चाहेंगे कि ये हमारे वो मशीनें हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कंपोनेंट, जिनका एक्चुअल इस्तेमाल पोलिंग टाइम पर होता है, और हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के तीनों कंपोनेंट्स को यहाँ पर आपके सामने रखा है। तो ये रियल मशीन्स हैं और ये उसी हालत में रखी गई हैं जैसा कि पोलिंग स्टेशंस पर हमारी मशीनों का इस्तेमाल होता है। हमारे साथ हैं चमन किशोर साहब, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में एक इंजीनियर हैं और वो हमको दिखाएंगे कि किस तरह से वोट दिया जाता है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट, उसके बाद बैलेट यूनिट, उसके बाद वीवीपीएटी। मैं कंट्रोल यूनिट के बारे में बताऊं कि जो भी हम वोट कास्ट करेंगे सर, वो इसमें जो चिप है, जो मदरबोर्ड है, वो उसके अंदर एक चिप है जो सारा डाटा इसमें आ करके स्टोर हो जाता है, और एट द टाइम ऑफ काउंटिंग उससे हम उसको डेटा को रिट्रीव करते हैं इन फॉर्म ऑफ रिजल्ट। तो जब रिजल्ट लेंगे काउंटिंग के टाइम में, तो सारा डाटा हमारे सामने आ जाएगा किसको कितना वोट पड़ा। एक मोटा मुद्दा उठा है सर, एक पॉलिटिकल पार्टी ने के हेड ने कहा कि हम 90 सेकंड में इसका मदरबोर्ड बदल देंगे जी। क्या इसका मदरबोर्ड बदला जा सकता है? दूसरा मुद्दा, अगर मदरबोर्ड बदल दें तो ये क्या हो जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहेगी? सर, मदरबोर्ड इसका नहीं बदला जा सकता, क्योंकि जब इस मशीन की हम एफएलसी करते हैं, जिसको हम फर्स्ट लेवल चेकिंग बोलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लेवल चेकिंग में हमारा इंजीनियर इसको चेक करेगा ईच एंड एवरी बटन फिजिकली, उसके बाद इलेक्ट्रिकली चेक करेगा कनेक्शन करके कि हर एक बटन इसका काम कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके बाद में हमारा इंजीनियर इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दी हुई पिंक सील है, जो नासिक की है, ये वाली सील सर, ओके, इस सील के ऊपर, नासिक मतलब जहाँ पे हमारे नोट छपते हैं, वो गवर्नमेंट प्रेस है, सील है, सिक्योरिटी प्रेस, उस वो सील, और आप देख रहे हैं इस सील के ऊपर एक नंबर भी होता है सर। तो प्रशासन के आदमी, एसडीएम लेवल का आदमी, जब भी हम एफएलसी करते हैं, एक बैल का इंजीनियर वहां पे जरूर होगा और प्रशासनिक तौर पे वहां का कोई अधिकारी होगा जो इसके ऊपर साइन करेंगे, और बैल का इंजीनियर भी इसके ऊपर साइन करेगा। साइन करने के बाद में जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी एफएलसी के दौरान आएंगे देखने के लिए, तो वो भी इसको चेक करेंगे कि प्रॉपरली साइन उसके ऊपर करेंगे, एक रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं उसके ऊपर भी साइन करेंगे, और वो भी ये भी चेक करेंगे कि हाँ, हम इस डेट में आकर के हमने एफएलसी को देखा, हमारे सामने एफएलसी हुई। तो जैसे एफएलसी, आप जैसे आपका सवाल है कि इसको क्या मदरबोर्ड चेंज कर सकते हैं, अगर ये सील यहाँ पे इसके देख रहे हैं आप, चारों तरफ ये सील बाउंड है, अगर इसका मदरबोर्ड को हम खोलने की कोशिश करते हैं, इसके चार स्क्रू, जैसे एक स्क्रू, दो स्क्रू, तीन स्क्रू और चार स्क्रू, खोलने के बाद में इस फ्लैप को हम पूरे मशीन दो पार्ट में हमारी होगी, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, पार्ट होने के बाद में ये सील आपकी यहाँ से, क्योंकि कागज की सील है, सिंपल सील है, ये टूट जाएगी। टूटने के बाद में नेक्स्ट स्टेज पे कोई देखेगा कि सील टूटी है, तो ये मशीन को हम रिजेक्ट कर देंगे, नेक्स्ट आदमी वो इस मशीन को अलाउ नहीं है इस्तेमाल करने के लिए इलेक्शन में। माने जैदी साहब, टू से दिस इज पार्ट ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी, इज दैट व्हाट द इंपोर्ट इज? दिस इज वन ऑफ द फीचर्स। दिस इज द वन ऑफ द मेनी सील्स व्हिच गो ऑन, बिकॉज देयर इज अ सील हियर एंड एंड द कैंडिडेट्स एजेंट्स are expected to sign on these seals, yes, yes. So they can verify this seal is their own and not right. being chained behind. Right. So that ensures that there is safety in this. देख, मान लीजिए किसी ने चोरी से स्टोर रूम में जाके बदल दिया, अब 1 मिलियन से ज्यादा मशीनें हैं, मान लीजिए मदरबोर्ड बदल दिया, तो क्या होगा? सर, अगर किसी ने डेलिबरेटली जानबूझ करके चोरी करके कहीं किसी ने मदरबोर्ड इसका बदल दिया, और मदरबोर्ड की जगह, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने चोरी से मदरबोर्ड बदल दिया, जैसे अफवाह आजकल उड़ी हुई हैं, तो अगर इसमें हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का मदरबोर्ड लगा देंगे,
तो वो तो सर मदरबोर्ड का जो फंक्शन होगा वो तो मशीन वही काम करेगी, उसी के हिसाब से इसके बटन काम करेंगे, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की वोटिंग मशीन नहीं रह जाएगी। मान लीजिए इसमें हम कोई वीडियो गेम का मदरबोर्ड लगा देते हैं, ये भी एक तरह का वोटिंग जो है सर, कोई कहे तो खेल ही है सर, वो हमारी डेमोक्रेसी का एक एम्बार्क समझाने के लिए सर, समझाने के लिए अगर इसी मशीन में मैं, हालांकि जो पॉसिबल नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर ऐसा पूछ रहे हैं और मैं इसमें उसके हिसाब से कोई वीडियो गेम का मदरबोर्ड लगा दूं तो ये मशीन वीडियो गेम का काम करेगा सर। ये बताइए अब वोट देते हैं सर तो क्या होता है, पहले क्या होता है इसमें सर? सबसे पहले जब वोटिंग जिस दिन हमारा होता है, और वोटिंग में सबसे पहले ये दो मशीनें, क्योंकि मैंने बताया कंट्रोल यूनिट और इसके साथ में वीवीपैट का ये वीएसडीयू है, जिसमें हमारा अगर वीवीपैट में बीच में कोई खराबी आती है तो इसमें ये शो करेगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, और सीयू में कोई एरर आया तो इसमें बताएगा इसमें कोई एरर नहीं है। ये दोनों कंपोनेंट हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ में रहेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे ही कोई हमारा वोटर आएगा, वोटर का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसको इंक लगाया जाएगा, उसके बाद में प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको बोलेगा भाई आप वोट डालिए। लेट अस अज्यूम सर दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज गॉन टू वोट, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट डू यू प्रेस फर्स्ट? राइट सर, तो जैसे ही सर, जैसे एज ए वोटर हमारे पास में आए, तो सबसे पहले मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूँ, मान लीजिए सर हमारे साथ में एक वोटर है, तो मैंने सर को बैलेट दे दिया। जैसे ही ये बैलेट दिया, सर जाएंगे ये कंपार्टमेंट में रहेगा, जो वोटिंग कंपार्टमेंट होगा सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कोई किसी को भी वोट डालिए सर, मॉक पोल करिए, आप मॉक पोल करिए सर। सर ने 7 नंबर को डाला जी को प्रत्याशी, यहाँ पे 7 नंबर आ गया। देखेंगे वीवीपैट में 7 नंबर का ही स्लिप निकला है, इससे वोटर को कंफर्म हो गया कि जिसको मैंने वोट कास्ट किया है उसी का स्लिप हमारा वीवीपैट में निकला है, और वोटर इससे मोर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि यस जिसको मैंने वोट डाला उसी का पर्ची हमारा इससे निकला है। और सर ये वाला स्लिप जो है इस कंपार्टमेंट में जाके बैठ गया, और जब आप इसको निकालेंगे तो ये 7 नंबर का स्लिप आ गया, आपने 7 दबाया था 7 आया, पक्का 7 दबाया था ना सर? बिल्कुल 7 निकला, बिल्कुल। अब ये वाली पर्ची जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर मुझको बताते हैं कि 5 साल तक प्रिजर्व हो सकती है, इसका इंक नहीं फेड होगा और ये बराबर चलता रहेगा, ये अंदर सील्ड रहती है, और आने वाले टाइम में इलेक्शन कमीशन एक प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहा है कि इसकी भी काउंटिंग हो और कितनी परसेंटेज हो। आपने बताया कि इसका मदरबोर्ड नहीं बदल सकते, ठीक है, अब मान लीजिए इलेक्शन कमिश्नर साहब तो नहीं कर सकते, मैं एक बदमाश हूं सर और मेरा मर्जी है कि मैं आके बैलेटिंग यूनिट पे सीक्रेट कोड डाल के करके इसको बदल दूं, तो क्या होगा? आप कैसे, आप मेरे से वोट डलवाइए, अब मैं आपसे वोट डलवाता हूं सर, ये भी हम कंफर्म कर लेते हैं आज। सबसे पहले मैंने आपको बैलेट दे दिया सर, यस यू हैव गिवन मी अ बैलेट, कुछ डेलिबरेटली कुछ गलत करना चाह रहे हैं मशीन में, आप करके देखिए सर। अब I am going to cheat in this. I will put a secret code after I am putting my ballot. Right, sir. I vote for India first. I. Candidate 9. Sir. Candidate 9. 9. Now, something should emerge here which will show candidate 9. 9. Now, quietly I am pressing 1, 2, 3, 4, which is supposed to be one form of tampering. Now, Chaman Kishore Saab, sir, I have pressed this. Sir. Has any light come on this? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, इसमें जब भी हमारा कोई एक वोट यहाँ से हम अलाउ करते हैं और वो वोटर यहाँ पे एक बटन को वोट डालता है, उस समय में सिर्फ वही बटन एक्टिव होगा, बाकी सारे इनेबल डिसेबल हो जाएंगे सर। So what you're saying is, after I press candidate 9 I for India, right, no message is going from the ballot unit to the control unit? Nothing sir. So this, there is no message going. 1, 2, 3, 4, no message has gone. बिल्कुल, जो बटन आपको प्रेस करना है सिर्फ वही मैसेज हमारा कंट्रोल यूनिट में जाएगा। पहले उसका पर्ची आपको वीवीपैट में नजर आएगा सर, वीवीपैट पर जब आप कंफर्म हो जाएंगे, फिर जैसे ही वीवीपैट से वो पर्ची कटेगा, वो डेटा हमारा ट्रांसफर सीयू में हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स ओनली द की प्रेस ऑफ योर फर्स्ट प्रेस ओके विल बी रिकॉर्डेड वाया वीवीपैट एंड इनटू द कंट्रोल यूनिट। All other key presses which you have pressed will not be recorded because during that period the machines are inactivated. So this is a technical sophistication of the machine.